दोस्तों आज के इस अवेयरनेस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अमेज़न मॉल के नाम पर चल रही पार्ट टाइम जॉब की दो नई फेक वेबसाइटों की जानकारियों को, जिसमें आपको अपने पैसे को बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन दोनों ही वेबसाइटों में हमारे दो नए सब्सक्राइबर्स के साथ बहुत बड़े अमाउंट में जो है स्कैम हो चुका है। इन वेबसाइटों में इंडियन रुपीज़ में नहीं बल्कि डॉलर के फॉर्म में लोगों से पैसा इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट का कमीशन देने का वादा किया जा रहा है। इन दोनों वेबसाइटों की जानकारियां इस अवेयरनेस वीडियो में मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि दोनों का नाम ही अमेज़न मॉल लोगों को बताया जा रहा है। सो अमेज़न मॉल के नाम पर चल रही इन वेबसाइटों में आप अपने पैसे को बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आपके पास भी पार्ट टाइम जॉब का ऑफर आया हुआ था एंड अगर ऑलरेडी आप पैसा इन्वेस्टमेंट इसमें कर चुके हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितना अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कितने का आपके साथ स्कैम हो गया, ताकि लोग उस कमेंट को पढ़ करके अवेयर हो सके। मेरी इस अवेयरनेस वीडियो को बनाने का मकसद ही है लोगों को अवेयर करना, ताकि कोई भी इन स्कैमर्स की बातों में आकर के इन वेबसाइटों में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करे। अमेज़न से वेबसाइटें लिंक नहीं है, आप चाहो तो अमेज़न के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके या उन्हें ईमेल के माध्यम से भी आप आसानी से पूछ सकते हो। सो अमेज़न मॉल के नाम पर चल रही इन दो वेबसाइटों का लिंक है shop.c-union.top। ये पहली वेबसाइट है और दूसरी जो वेबसाइट है दोस्तों वो है amazon-platform.com और इन दोनों में ही आप अपने पैसे को बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना। इसकी कुछ झलक दिखाना चाहूँगा इस वेबसाइट की, ध्यान दीजिएगा इसके इंटरफेस पर। कुछ इस तरीके का है amazon-platform.com का इंटरफेस और यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट प्रूफ शो किया जा रहा है कि तुरंत तुरंत लोग बहुत सारे यूएस डॉलर मतलब बहुत सारे अमाउंट का यूएस डॉलर जो है विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत में जो है किसी को भी इस तरीके से विड्रॉ नहीं मिल रहा है। इन वेबसाइटों में जो है जैसा कि मैंने आपको बताया यूएस डॉलर के फॉर्म में लोगों से रिचार्जेस कराया जा रहा है, तो आप देख सकते हो कि 900 कभी 500 कभी 600 इतने यूएस डॉलर जो है लोग दिखाया जा रहा है कि तुरंत तुरंत लोगों को कमीशन मिला है इतना अमाउंट का, इस तरीके से कुछ भी शो किया जा रहा है। और यहाँ पर ही आप देख सकते हो कि जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनका जो अमाउंट शो हो रहा है लगभग 7825.73 अवेलेबल बैलेंस में, ये यूएस डॉलर में शो हो रहा है। इसको आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देख लेना भाई, लाखों रुपये निकलेंगे। इतने का उनके साथ जो है स्कैम हो गया, आप इस तरीके से इन बात को समझ सकते हो। और यहाँ पर उन्हें जो नया टास्क शो हो रहा है ना वो है 8198.83 यूएस डॉलर का, जिसको कंप्लीट करने में इनको अभी माइनस में बैलेंस दिखा रहा है 373.1 समथिंग, कि उतना डालना होगा तब जाके ये अमाउंट क्लियर होगा, उसके बाद ये उस टास्क को कंप्लीट करेंगे तो इन्हें कमीशन मिलेगा 1229.82 यूएस डॉलर का, कुछ भी लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। इस पर पैसे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दूसरी जो वेबसाइट है shop.c-union.top, उसका इंटरफेस भी आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरीके का इंटरफेस है जहाँ पर बहुत सारे पार्टनर्स के नाम, इसके अलावा जो है पेमेंट प्रूफ शो किया जा रहा है, और इसी में आप मेरा मोबाइल नंबर भी देख सकते हो 2050 जैसा नंबर मेरा इजीली रजिस्टर एंड लॉगिन हो गया। इसका भी रिचार्ज सेक्शन वही है, आप यूएस डॉलर में रिचार्ज करोगे ऐसा बताया जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी रिचार्ज मत कीजिएगा क्योंकि इसमें भी हमारे नए सब्सक्राइबर के साथ जो है स्कैम हुआ है। 15629.81 अवेलेबल बैलेंस में इनका यूएस डॉलर में शो हो रहा है भाई, आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे आपको समझ में आ जाएगा कितना ज़्यादा अमाउंट होता है, ये लाखों रुपये, इतने का इनके साथ स्कैम हुआ है। आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ अपने पैसे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने की गलती मत करना। और हाँ, जिन लोगों ने भी अपने पैसे को इन वेबसाइटों में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया हुआ है उन्हें यही कहना चाहूँगा कि इन वेबसाइटों से आपको बार बार टास्क ही दिया जाएगा या फिर टैक्स पे करने को कहा जाएगा, जैसा कि हमारे नए सब्सक्राइबर को भी कहा जा रहा है कि 18% टैक्स पे करने के लिए, 18% यानी कि 2813 यूएस डॉलर, मतलब ये भी लाखों का अमाउंट निकल के आ गया। अपने पैसे को बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ना तो इन लोगों को टैक्स पे करने में और ना ही इनकी बताए गए टास्क को कंप्लीट करने में, क्योंकि वेबसाइटें जो है अमेज़न की नहीं है। आप चाहो तो अमेज़न के कस्टमर केयर नंबर पर उन्हें कॉल करके या उन्हें ईमेल के माध्यम से भी आप इस बारे में पूछ सकते हो। जिन लोगों ने भी अपने पैसा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया हुआ है उन्होंने तो नोटिस कर लिया होगा कि बार बार उन्हें टास्क मिल रहा होगा, और जितनी बार भी वो रिचार्जेस करते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर करते होंगे, मेंटर समय मांगता होगा 5-7 मिनट का, उस दौरान वो चेक कर लेता है कि पैसा रिसीव हो गया है, उसके बाद जो है वो
कमीशन का जो अमाउंट बन रहा था उसको जोड़ करके वेबसाइट में सिर्फ एक नंबर की तरह शो कर देता है, और लोग सोचते रहते हैं कि वेबसाइट में हमारे पैसे हैं, जबकि हकीकत में वेबसाइट में तो सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, पैसा तो है ही नहीं। इसीलिए तो लोगों को विड्रॉ बाद में नहीं मिलता है, और शुरुआती टाइम में भी जो लोगों को विड्रॉ मिलता है 10, 20, 50 US डॉलर, उन्हें मिलने से लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये वेबसाइट से मिला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेबसाइट से आपको उस टाइम भी जो है विड्रॉ नहीं मिलता है, बल्कि वेबसाइट में जो आपसे पैसा इन्वेस्टमेंट करा रहा है वो मेंटर्स, वो आपसे जो है आपकी डिटेल्स मांगता है कि किस में आपको विड्रॉ चाहिए, और वो जो है किसी और को शेयर कर देता है आप ही की तरह कोई किसी बंदे को, एंड उससे उसमें रिचार्जेस करा करके आपको इस तरीके से जो है स्टार्टिंग में पैसा मिलता है। स्टार्टिंग में मिलने वाला विड्रॉ भी जो है आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम भी जो है ये वेबसाइट वाले आपको पैसा नहीं दे रहे होते हैं, ये दिलवाने का काम करते हैं। जिस तरीके से आप रिचार्जेस करते हो सेम इसी तरीके से और भी लोग रिचार्जेस कर रहे होते हैं, तो ये लोग आपसे जो है, ये जो मेंटर हैं जो कि इस वेबसाइट में आपको रजिस्टर एंड लॉगिन करने को कहा है, जिसने आपसे पैसा इन्वेस्टमेंट करने को कहा है, टास्क कंप्लीट करने को कहा है, वो जो मेंटर है उस वेबसाइट का, वो आपसे कहेगा कि आपको किस में विड्रॉ चाहिए, आपसे डिटेल लेगा और किसी और के पास उसे शेयर करके कहेगा उसमें इतने तक रिचार्ज कर दो, जैसा कि आपसे भी स्टार्टिंग में कहा जा रहा होगा कि इस पर जो है रिचार्जेस करना है। तो सेम इसी तरीके से जो है स्टार्टिंग में पैसा आपको मिल जाता है और आपको लग रहा होता है कि वेबसाइट ने दिया है, जबकि वेबसाइट सिर्फ दिलवाया है। और ऐसे में जिसने आपको पैसा भेजा है, मान लीजिए उसके साथ आगे चल करके स्कैम होता है और वो साइबर कंप्लेन करेगा, पेमेंट ऐप में कंप्लेन करेगा, तो ऐसे में हो सकता है कि आप जो अपने पैसे को रिसीव कर रहे हो बैंक अकाउंट में, शायद उसको फ्रीज किया जा सके। बहुत लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है दोस्तों इन वेबसाइटों से विड्रॉ लेने की वजह से। सो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, इन वेबसाइटों से जितना हो सके दूर रहें, ना तो इनमें इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही इसको टैक्स पे करना है, ना ही यहाँ से विड्रॉ लेना है। एंड अगर ऑलरेडी ये चीज़ें आप कर चुके हो तो आप साइबर क्राइम से हेल्प लीजिए। आप 1930 नंबर को डायल कर सकते हो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो, और आप cybercrime.gov.in वेबसाइट है, आप उस पर साइबर कंप्लेन कर सकते हो। सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स लगा देना है, एंड किस तरीके से स्कैम आपके साथ हुआ है सभी चीज़ों को। और अगर आप जो हैं इंडिया से बाहर किसी और कंट्री से हैं, तो ऐसे में जो है आपको वहाँ के ही साइबर पुलिस स्टेशन में जा करके कंप्लेन करना होगा कि जो ट्रांजैक्शंस आपने किया है उसमें आपके साथ जो है फ्रॉड हो गया है, सो उस अमाउंट को किसी तरीके से रिवर्स कराया जाए। आप ये रिक्वेस्ट पेमेंट ऐप से भी कर सकते हो या बैंक से भी कर सकते हो, बस यही कोशिश आपको करनी है दोस्तों, शायद आपको आपके पैसे वापस मिल पाए। और एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, किसी को भी मनी रिकवरी के लिए पैसा बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी स्कैमर्स हैं, वो आपसे पैसा ले लेगा उसके बाद जो है आपको ब्लॉक कर देगा। प्लीज़ डोंट पे एनीवन फॉर मनी रिकवरी बिकॉज दे आर ऑल्सो स्कैमर्स। अगर आपके साथ भी जो है किसी भी तरीके का कोई भी ऑनलाइन स्कैम हुआ है और आप चाहते हैं लोगों को अवेयर करना, तो उस जानकारी को अगर आप मेरे साथ शेयर कर दोगे तो मैं उस पर एक अवेयरनेस की वीडियो इसी तरीके से बना दूंगा ताकि लोग देख करके अवेयर हो जाएं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है interestingrajyt और मेरा ईमेल आईडी है interestingrajyt@gmail.com, और ये दोनों ही आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप चेक कीजिए भाई, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अगला अवेयरनेस वीडियो कल के दिन आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पर मैंने दो अवेयरनेस की वीडियोस ऑलरेडी लगा दिया है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है देख सकते हो। थैंक यू सो मच।